हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संदीप, आपके अपने चैनल करियर डाउन टून में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, 25 तारीख की पहली शिफ्ट का एग्जाम छूट गया है, तो हम डायरेक्ट आपको बच्चों से कैसा हुआ मेमोरी, पेपर कैसा हुआ? अच्छा हुआ। कितना अटेम्प्ट हो गया? 40-45 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया। मैथ नहीं हुए तो टोटल कितना हो गया? 80 थे। अटेम्प्ट कितना हो गया? 60 या 75 के समथिंग हो गया। अच्छा, जीएस में कोई क्वेश्चन याद आ रहा? नहीं आ रहा। अच्छा, हिंदी में किस टाइप के क्वेश्चन? पर्यायवाची थे। ओके, और रीजनिंग में कुछ याद आ रहा? नहीं याद आ रहा। ओके, चलिए, आपका हुआ भाई? अभी नहीं हुआ। ओके, कैसा हुआ भाई पेपर? पेपर बढ़िया हुआ। बढ़िया हुआ। हाँ। कितना अटेम्प्ट हो गया? 65। बढ़िया। और कोई मैथ में क्वेश्चन याद आ रहा हो? मैथ में चक्रवृद्धि का अर्धवार्षिक था। चक्रवृद्धि अर्धवार्षिक था। कितने साल का दिया था? अर्धवार्षिक याद, दो साल। दो साल का मतलब चार साइकिल बनने होंगे। चार साइकिल, कितना परसेंट? 5% में। और कंपाउंडिंग तो उसका सिंपल इंटरेस्ट एक था, एक था, एक था सिंपल का भी था, और टाइम एंड वर्क का, और एक था अंतर वाला, एक अंतर वाला, दो साल का अंतर। अच्छा, दो साल का अंतर भी दिया था। ओके ओके। और टाइम एंड वर्क से? टाइम एंड वर्क दो थे। टाइम इक्विडेंट जैसे उसमें एक था औसत वाला, औसत चाल वाला था। ओके, और ट्रेन का नहीं था। ट्रेन बोर्ड का था? बोर्ड का नहीं था। जीएस का कोई क्वेश्चन याद आ रहा? नहीं याद आ रहा। ठीक है, थैंक यू। इधर लोगों ने नहीं दिया पेपर। हो गया आपका पेपर? हो गया। हुआ है? कैसा हुआ? अरे बता दिए, हर चीज मतलब कि अच्छी तरीके से आ रहा है बड़े, पर इसमें सरलीकरण नहीं आया था, सिंप्लीफिकेशन बिल्कुल नहीं आया था इस वाले, इसमें नहीं आया, सिंप्लीफिकेशन था ही नहीं। आज सिंप्लीफिकेशन नहीं था, और टफ रीजनिंग ऐसी आ रही, बस टाइम दे दो। कैसा हुआ पेपर? एग्जाम काफी अच्छा गया है। अच्छा, कितना अटेम्प्ट हो गया? कितना बढ़िया हुआ है अटेम्प्ट, मतलब जो भी था सॉल्व था, मतलब अच्छा पेपर आया था। अच्छा पेपर आया था। हाँ, ज्यादा हार्ड नहीं। मैथ में कैसा था? मैथ भी सही था, ज्यादा हार्ड नहीं था। ज्यादा हार्ड नहीं था बिल्कुल। कोई क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन? टाइम एंड वर्क से कैसे क्वेश्चन बन रहे? हाँ, टाइम एंड वर्क से आए थे, और रेशियो से आए थे। रेशियो से कितना क्वेश्चन आया था? एक आया था, दो आया था? तीन क्वेश्चन आए थे रेशियो से। रेशियो से तीन क्वेश्चन? कौन कौन से, किस टाइप के क्वेश्चन थे? वही थे, सिर्फ रेशियो या सिक्के विक्के से पूछा गया था? किससे पूछा गया था? सिक्के से था। हाँ, और पॉलिटी नहीं आई थी बिल्कुल भी। पॉलिटी का आज नहीं पूछा गया? नहीं, आर्टिकल नहीं पूछा गया था। आर्टिकल हाँ, एक क्वेश्चन आया था, एक आर्टिकल से क्वेश्चन आ गया था बस, एक आर्टिकल से क्वेश्चन आया था। और रीजनिंग काफी अच्छी थी। वो जो सिटिंग अरेंजमेंट में कैसे क्वेश्चन थे? सिटिंग अरेंजमेंट में वही चार क्वेश्चन थे। चार क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट, चार क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट, चार थे। बहुत ज्यादा क्वेश्चन? तीन दो टेबल वाला था, दोनों टेबल वाले थे, दोनों सर्कल वाले थे। सर्कल वाले, दोनों सर्कल वाले, लाइन वाले नहीं, वाले नहीं। चैनल कौन है? जीएस सरल था। जीएस सरल का कोई क्वेश्चन जीएस में आ रहा हूँ? जीएस में एक बिट ट्रेन के मुख्य वो पूछा गया था कोई, कि बिट ट्रेन के अपने यहाँ से कोई मुख्य वो कौन है? हाँ, सीएम पूछा गया था। त्रिपुरा का पूछा गया था। मानवाधिकार का आर्टिकल पूछा गया था। अमृत का पर्यायवाची पूछा गया था। पेपर अच्छा था, बढ़िया हुआ। अटेम्प्ट तो 57 में, अगर आपका सही है तो ज्यादा चार पाँच क्वेश्चन गलत होंगे, 100% हो जाएगा। इतना ही कट ऑफ जाएगा, लगभग 52-53 ही 58। बाकी रीजनिंग और वो क्या कहते हैं, हिंदी सही थी। जीएस थोड़ा टफ थी बट सही थी। नेगेटिव मार्किंग से बचना जरूरी है। आप मेन चीज है टाइम बहुत जिसकी मतलब चीज है ना, तो वो रीजनिंग मतलब
लग गए थे लगभग 40, लगभग हमको लग गए थे 24 मिनट रीजनिंग में लग गए थे। ऑप्शन बड़े बड़े थे ना, रिलेट करना पड़ता था, बार बार देखना पड़ता था ऊपर स्क्रॉल करके, इसलिए वो टाइम ज्यादा लेता है। ऑफलाइन हो तो हाँ वही बस बस वही होता है कि मतलब घर पे मोबाइल से करते हैं प्रैक्टिस, अगर लगाते हैं यहाँ पे तो ऊपर नीचे में वो दिक्कत होती है। हाँ, वही वो थोड़ा वो दिक्कत, बाकी सही था, पेपर मैनेज था। बाकी जितनी भी शिफ्टें थी आज का थोड़ा जीएस हुआ थोड़ी टफ थी, मॉडरेट थी, मतलब ऑप्शन इतने डीप थे कि रिलेट करना मुश्किल हो रहा था, रिलेट करना मुश्किल, हाँ ऑप्शन डीप थे, बाकी पेपर तो अच्छा ही हुआ। चलिए ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। कैरियर अड्डा 121, हाँ कैरियर अड्डा 121, 121 हो गया जितना होना था। अरे नहीं फिर भी बता दीजिए कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया लगभग। 70% तो लगता है मुझे। 70% मतलब 70% क्वेश्चन अटेम्प्ट हुआ या 70% क्वेश्चन अटेम्प्ट हुआ या 70% कर दिया पता नहीं। 70% ओके ओके। तो जीएस का कोई क्वेश्चन याद आ रहा? ऐसे मैं क्या बता दूं, नहीं याद आ रहा। मैं इसका टॉपिक बता सकते हैं किस टॉपिक से पूछा गया था? मतलब उसमें क्षेत्रफल भागफल ये सब पूछा गया था। क्षेत्रफल मतलब परसेंट से, परसेंट का पूछा गया था, क्या पूछा गया? परसेंट से पूछा गया था, परसेंट से। और मेंसुरेशन का क्वेश्चन कोई इसका? मेंसुरेशन, मेंसुरेशन हाँ उसके भी क्वेश्चन, काफी क्वेश्चन आए थे। अच्छा काफी क्वेश्चन आए थे, किस टाइप का क्वेश्चन था? मैं मैथ का लगा रही थी, बहुत टाइम हो गया तो धीरे 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 निकल गया था। अच्छा धीरे धीरे निकल गया था, चलिए मुझे जान दीजिए, मुझे लेट हो गया। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू सो मच। अच्छा आपसे बात हो गई है, चलिए ठीक है, थैंक यू। चल मेरा इनके साथ है। और हिंदी बहुत ईजी आ रही है, हिंदी में क्रिया विशेषण पूछा था और उसमें क्या कि पैराग्राफ में आ रहा है जिससे डायरेक्ट पूछेगा कि अभिशाप का अपोजिट क्या होता है, तो वो पैराग्राफ में दे देगा सेंटेंस में उसमें पूछेगा। और इसके बाद मैथ में जो आया था कि परसेंटेज मेरे मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एक भी नहीं था, समतुल बट्टा से था। और इसके बाद चुनाव से था, चुनाव वाला इलेक्शन वाला, नहीं प्रॉफिट लॉस नहीं था ना, चुनाव में प्रॉफिट लॉस थोड़ी ना आएगा उसके अंदर, परसेंट में आ जाता है। हां परसेंट में आए, प्रॉफिट लॉस नहीं आएगा, वही मैं कह रहा हूं, वही कह रहा हूं मैं, परसेंट से चुनाव वाला परसेंट से। और उसमें लोकनाथ आ रहा है और जो नेत्रांगना है ना वगैरह, और नेत्रांगना का नाम पूछा जा रहा है, उसमें राज्य पूछा जा रहा है या नाम पूछा जा रहा है? नहीं उसमें नाम पूछा जा रहा है और उनसे नेत्रांगना का नाम, हाँ और उनसे रिलेटेड जो पुरस्कार है ना, ये पद्म विभूषण कब मिला फलाने को, पद्म वगैरह, हाँ लोग वो आया था, एक गुच्ची आया था असम से रिलेटेड। चलिए ठीक है, थैंक यू। तो देख रहे थे आप अपने चैनल करियर अड्डा 121 पे, तो इसी तरह से आज था 25 तारीख का पहला चैप्टर और इसी तरह से आप जुड़े रहिए अपने चैनल करियर अड्डा 121 में। तो बस आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।